आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है ऊंचाई एवं दूरी। ठीक है, इसे इंग्लिश में हाइट एंड डिस्टेंस कहते हैं। इसमें आपको एक एक्सरसाइज दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे प्रश्नावली 3। तो इसमें जितना भी क्वेश्चन है इसको सॉल्व करने से पहले ऊंचाई एवं दूरी का जितना भी कॉन्सेप्ट है उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो पहले हम हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में जितना भी कॉन्सेप्ट है उसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ देखिए, जो भी हाइट एंड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट है हम यहाँ पे लिख लिए हैं। अगर आपको ये सभी कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हाइट एंड डिस्टेंस में जितने भी क्वेश्चन हैं उसको आप आसानी से बना लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, जैसे ऊँचाई एवं दूरी लिखा हुआ है तो हमें हाइट एंड डिस्टेंस क्यों पढ़ना है? सबसे पहले तो ये सवाल आता है कि हम हाइट एंड डिस्टेंस को क्यों पढ़ें। तो देखिए, अगर आपको बड़ी बड़ी ऊंचाइयां निकालनी हो, चाहे लंबी दूरियां निकालना हो, तो उसके लिए आपको हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए कि आप किसी टावर की ऊँचाई निकालना चाहते हैं, तो उसकी ऊँचाई निकालने के लिए आप क्या करेंगे? हाइट एंड डिस्टेंस का उपयोग करेंगे। ठीक है, बड़े बड़े बिल्डिंग हो गया उसकी अगर ऊँचाई निकालना है, बड़े बड़े पहाड़ हो गया उसकी ऊंचाई अगर निकालना है आपको, तो हाइट एंड डिस्टेंस का वहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं। देखिए, हाइट एंड डिस्टेंस इसको पढ़ने से पहले आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री नहीं आता है तो फिर आप हाइट एंड डिस्टेंस के जितने भी सवाल है उसको आप नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो पहले आप त्रिकोणमिति पढ़िए, अगर त्रिकोणमिति आपको बढ़िया से आता है तब आप हाइट एंड डिस्टेंस को पढ़ें। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम सीखते हैं कि दृष्टि रेखा क्या होती है। ठीक है, दृष्टि रेखा को इंग्लिश में लाइन ऑफ साइट कहते हैं। ये क्या है इसको समझिए। तो यहाँ पे देखिए, एक हम झंडा बनाए हैं। ठीक है, ये झंडा है और यहाँ पे एक हम आँख बनाए हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे एक लड़का खड़ा है और यहाँ से इस बिंदु से इस झंडे का जो टॉप बिंदु है इसको देख रहा है, यहाँ से यहाँ देख रहा है। ठीक है, तो ये जो लाइन बनेगी, ये वाली रेखा, इसी रेखा को दृष्टि रेखा कहते हैं। अब देखिए, ये है क्षैतिज रेखा, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं क्षैतिज रेखा। यहाँ पे आँख है। ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पे कोई एक व्यक्ति है जो इस झंडे को देख रहा है। ठीक है, तो इसको आँख के एकदम सामने वाली जो लाइन है ये, ठीक है, इस लाइन को क्या बोलेंगे? क्षैतिज रेखा बोलेंगे। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। अब देखिए, यहाँ पे ये क्षैतिज रेखा है और ये दृष्टि रेखा है, तो इसके बीच में एक एंगल बन गया। ठीक है, इस एंगल को हम थीटा से डिनोट किए हैं। तो ये जो एंगल है इसको बोलते हैं उन्नयन कोण। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन। तो उन्नयन कोण कहाँ पे बनता है? तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच का कोण। ठीक है, तो देखिए, उन्नयन कोण जब भी बनेगा तो दृष्टि रेखा ऊपर रहेगा और क्षैतिज रेखा नीचे रहेगा। इस बात को आप याद रखिएगा। यहाँ देखिए, अगर दृष्टि रेखा ऊपर है और क्षैतिज रेखा नीचे है, मान लीजिए कि ये क्षैतिज रेखा है और ये दृष्टि रेखा है, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा ये उन्नयन कोण का बनता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अब मान लीजिए कि ये एक मीनार है। ठीक है, और यहाँ पे एक लड़का बैठा हुआ है और कुछ ऊँचाई पर मतलब बैठा हुआ है, और यहाँ से ये धरती पर एक देखिए फूल है, गमला में फूल लगा हुआ है, इसको देख रहा है, यहाँ से ये देख रहा है इस फूल को। तो देखिए, ये जो रेखा है इस रेखा को क्या बोलेंगे? दृष्टि रेखा बोलेंगे। और इसके आँख के एकदम सामने, बिल्कुल सामने वाली जो रेखा है इसको बोलते हैं क्षैतिज रेखा। ठीक है, तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में एक कोण बनता है, तो इस कोण को क्या बोलते हैं? अवनमन कोण बोलते हैं। तो अवनमन कोण में क्या होता है? दृष्टि रेखा नीचे और क्षैतिज रेखा ऊपर रहता है। ठीक है, तो इसके बीच में जो कोण बनेगा उसको अवनमन कोण। और उन्नयन कोण, देखिए उन्नयन कोण में क्या रहता है कि व्यक्ति ऊपर की ओर देखता है, ऊपर की ओर अगर देख रहा है तो समझ जाइए कि वहाँ पर उन्नयन कोण बन रहा है। अगर कोई व्यक्ति ऊपर से नीचे की ओर देख रहा है तो वहाँ पर जो एंगल बनेगा वो अवनमन कोण का बनता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। मान लीजिए कि हम यहाँ पर ऊँचाई पर कुछ ऊँचाई पर बैठे हुए हैं। ठीक है, यहाँ से अगर हम नीचे की ओर देख रहे हैं तो ये वाली जो एंगल बनेगा, ये वाला, ये होता है अवनमन कोण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। और अगर हम यहाँ पे खड़ा हैं, ठीक है, और एक ऊंची मीनार है और इस मीनार के टॉप को हम यहाँ से देख रहे हैं, ठीक है,
तो ये वाली जो रेखा होती है, ये वाली, इसको बोलते हैं दृष्टि रेखा, लाइन ऑफ साइट। और ये जो रेखा होती है इसको बोलते हैं क्षैतिज रेखा। तो इसके बीच में जो एंगल बनेगा ये वाली, ये होता है उन्नयन कोण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि उन्नयन कोण क्या होता है और अवनमन कोण क्या होता है, ये कहाँ पर बनते हैं, इसको याद रखना है। ठीक है, देखिए चैप्टर का नाम है ऊंचाई एवं दूरी, इसे इंग्लिश में हाइट एंड डिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, अब एक सवाल है कि हाइट एंड डिस्टेंस क्यों पढ़ना चाहिए, इसका उपयोग कहाँ पे है, ये समझिए। तो जैसे अगर कोई बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, ठीक है, अगर उसकी ऊंचाई निकालनी हो तो हमें हाइट एंड डिस्टेंस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, फिर देखिए मान लीजिए कि टावर है, एफिल टावर आप जानते हैं, उसकी ऊंचाई निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए क्या करते हैं कि हाइट एंड डिस्टेंस इसका इस्तेमाल करते हैं। ऊँची ऊँची पहाड़ियाँ हैं, उसकी ऊंचाई निकालनी हो तब हम हाइट एंड डिस्टेंस का उपयोग करते हैं। फिर मान लीजिए कि सूर्य की दूरी निकालनी हो कि पृथ्वी से सूर्य के बीच में कितनी दूरी है, तो वहाँ पर हम हाइट एंड डिस्टेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो हाइट एंड डिस्टेंस का हमारे दैनिक जीवन में बहुत उपयोग है। ठीक है, अब देखिए हाइट एंड डिस्टेंस इसमें जितना भी सवाल है ये आपसे तभी बनेगा जब आप त्रिकोणमिति पढ़े हों। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़े हैं तो फिर आप हाइट एंड डिस्टेंस के सवाल को नहीं बना सकते हैं। तो पहले आपको त्रिकोणमिति पढ़ना होगा, उसके बाद आप इस चैप्टर को पढ़िए। अब देखिए इसमें कुछ कंसेप्ट है जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, जैसे दृष्टि रेखा क्या होती है, क्षैतिज रेखा क्या होती है, उन्नयन कोण क्या होता है, अवनमन कोण क्या होता है। अगर ये सब आपको पता है तब फिर आप हाइट एंड डिस्टेंस आसानी से बना सकते हैं। देखिए हाइट एंड डिस्टेंस में कुछ पॉइंट होते हैं, उसको आपको जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे दृष्टि रेखा, इसको इंग्लिश में लाइन ऑफ साइट कहते हैं, ये क्या होता है। क्षैतिज रेखा, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये क्या होता है। उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन, ये क्या होता है। फिर अवनमन कोण क्या होता है, क्षैतिज रेखा, दृष्टि रेखा। अगर ये सब आपको पता है तो आप आसानी से ऊंचाई एवं दूरी में जितने भी सवाल हैं उसको बना सकते हैं। तो आइए एक एक करके सीखते हैं कि ये सब क्या होते हैं। ठीक है, जैसे पहला यहाँ पे लिखे हैं दृष्टि रेखा, जिसको इंग्लिश में लाइन ऑफ साइट कहते हैं, ये क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे आँख है, आँख हम बनाए हैं, मतलब यहाँ पे कोई एक लड़का खड़ा है, ठीक है, और ये एक झंडा है, बहुत बड़ा झंडा है। ये लड़का जो है यहाँ से इस झंडे को, टॉप बिंदु को देख रहा है, ठीक है। तो इस लड़के की आँख और इस झंडे की टॉप बिंदु, इसके बीच की जो दूरी है, ये मिलाने वाली जो रेखा होती है, इसी रेखा को हम बोलते हैं दृष्टि रेखा। ठीक है, लाइन ऑफ साइट। मान लीजिए कि यहाँ पे आप खड़े हैं और ये बिल्डिंग बहुत बड़ा बिल्डिंग है और ये आपकी आँख है और इस बिल्डिंग के टॉप को आप यहाँ से देख रहे हैं, तो ये आपकी आँख हो गई, यहाँ पे बिंदु है, तो इसको मिलाइए पहले। देखिए ये जो रेखा है इसी रेखा को हम बोलते हैं दृष्टि रेखा, ठीक है, लाइन ऑफ साइट। अब एक होता है क्षैतिज रेखा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये जो आँख है इसके दम सामने एक सरल रेखा आप खींचिए, ठीक है, तो इस रेखा को बोलते हैं क्षैतिज रेखा, हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, अब देखिए उन्नयन कोण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, ये क्या है। तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा, इसके बीच में जो एंगल बनता है इसी एंगल को हम बोलते हैं उन्नयन कोण। ठीक है, उन्नयन कोण कब बनता है, जब दृष्टि रेखा ऊपर हो और क्षैतिज रेखा नीचे हो, तो ये वाली जो एंगल बनता है इसी को बोलते हैं उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, याद रखिएगा उन्नयन कोण तभी बनता है जब आप ऊपर की ओर देख रहे हों। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्षैतिज रेखा तो आप समझ गए कि जो आँख है, आँख के जो सामने एकदम सीधी रेखा खींचते हैं तो वो क्षैतिज रेखा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो लड़का है एक ऊंची वस्तु पे बैठा हुआ, मान लीजिए कि ये बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के टॉप पे एक लड़का यहाँ बैठा हुआ है और यहाँ से वो नीचे देख रहा है, यहाँ पे मान लीजिए धरती पे, देखिए यहाँ पे एक गमला है, गमला में फूल लगा हुआ है और ये ऊपर से बिल्डिंग से नीचे जो है इस गमला को देख रहा है। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया दृष्टि रेखा, देखिए ये दृष्टि रेखा हो गया।
और ये हो गया क्षैतिज रेखा। तो इसके बीच में जो एंगल बनेगा ये एंगल बोलते हैं इसको अवनमन कोण। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अवनमन कोण कब बनता है, जब आप ऊपर से नीचे किसी वस्तु को देखते हैं, ठीक है। और उन्नयन कोण कब बनता है, जब नीचे से आप ऊपर किसी वस्तु को देखते हैं, जब नीचे से ऊपर की ओर किसी वस्तु को देखते हैं तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो उन्नयन कोण का बनता है। और अगर आप ऊपर से नीचे किसी वस्तु को देखते हैं तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो अवनमन कोण बनता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि दृष्टि रेखा क्या होती है, क्षैतिज रेखा क्या होती है, उन्नयन कोण कहाँ बनता है, अवनमन कोण कहाँ बनता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम कुछ परिभाषा लिखे हैं, इसको भी समझ लीजिए। जैसे क्षैतिज तल क्या होते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो देखिए, पृथ्वी तल के समांतर खींचे गए तल को क्षैतिज तल कहते हैं, ठीक है। पृथ्वी तल मान लीजिए कि ये पृथ्वी है और इसी तल के समांतर अगर कोई रेखा खींची गई है तो इस जो तल है इस तल को हम क्या कहेंगे, क्षैतिज तल कहेंगे। अब देखिए, क्षैतिज रेखा हॉरिजॉन्टल लाइन, तो क्षैतिज तल के समांतर खींची गई सरल रेखा को क्षैतिज रेखा कहते हैं। देखिए, ये आपका क्षैतिज तल है और इसी के समांतर अगर एक सरल रेखा खींच दे तो इसको क्या बोलेंगे, क्षैतिज रेखा बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए, दृष्टि रेखा लाइन ऑफ साइट, तो इसमें क्या है कि किसी दर्शक की आंख और देखी जाने वाली वस्तु को मिलाने वाली रेखा को दृष्टि रेखा कहते हैं। तो यहाँ देखिए, दृष्टि रेखा को एक और फिर हम समझाते हैं आपको। मान लीजिए कि यहाँ पे एक लड़का खड़ा है, ठीक है, और इसके सामने एकदम एक बहुत बड़ी मीनार है। देखिए, ये बहुत बड़ी मीनार है और ये लड़का इस मीनार के सबसे टॉप बिंदु को यहाँ से ये देख रहा है। तो इस जो लाइन है, देखिए ये रेखा, इस रेखा को, ठीक है, इस रेखा को हम क्या कहेंगे, दृष्टि रेखा कहेंगे, दृष्टि रेखा, ठीक है। अब यहाँ पे है उन्नयन कोण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ये क्या होता है, तो देखिए, जब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब कोई वस्तु दर्शक के ऊपर हो तब दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बने कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। इसको समझिए उन्नयन कोण के बारे में। देखिए, मान लीजिए कि कोई दर्शक का आंख ये है, ठीक है, ये आंख है और यहाँ पे एक बिल्डिंग है ये, और ये जो है इस बिल्डिंग के टॉप बिंदु को देख रहा है यहाँ से यहाँ। तो ये जो रेखा होगी, देखिए इसको मिला दीजिए यहाँ से यहाँ इस तरह से, तो ये आपका जो है ये है दृष्टि रेखा, दृष्टि रेखा। और यहाँ पे इसके आँख के सामने से एक रेखा खींचिए, ये कहलाता है आपका क्षैतिज रेखा, ठीक है, क्षैतिज रेखा। तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में जो कोण बनता है इसी कोण को बोलते हैं उन्नयन कोण, ठीक है। उन्नयन कोण कब बनता है, जब दृष्टि रेखा ऊपर हो और क्षैतिज रेखा नीचे हो तब उन्नयन कोण बनता है। अब देखिए, अब है अवनमन कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसमें कहता है कि जब कोई वस्तु दर्शक की आँख से नीचे हो, ठीक है, तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बने कोण को उस वस्तु का अवनमन कोण कहलाता है। देख लीजिए, अवनमन कोण में क्या होता है कि दर्शक का, दर्शक की जो आँख है वो ऊपर रहेगा, ठीक है, और वस्तु जो रहता है वो नीचे रहता है। तो यहाँ से ये नीचे की ओर देखेगा तो ये रेखा तो आपका दृष्टि रेखा हो गया, और इसके आँख के सामने से एक हम रेखा खींचते हैं, सरल रेखा खींचते हैं, ये कहलाता है क्षैतिज रेखा। तो इसके बीच में जो एंगल बनता है ये कहलाता है अवनमन कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे अवनमन कोण बनता है और यहाँ पे उन्नयन कोण बनता है। उन्नयन कोण तब बनता है जब कोई व्यक्ति ऊपर की ओर देखता है, और अवनमन कोण तब बनता है जब कोई व्यक्ति नीचे की ओर देखता है, ठीक है। जब नीचे की ओर देखेगा तो अवनमन कोण बनेगा, और जब ऊपर की ओर देखेगा तो उन्नयन कोण बनेगा, ठीक है। तो समझ गए कि उन्नयन कोण क्या होता है और अवनमन कोण क्या होता है। अब यहाँ पे देखिए, नोट में हम लिखे हैं कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। कैसे बराबर होते हैं से देखिए, पहले एक हम अवनमन कोण बनाते हैं। तो देख लीजिए, ये एक मीनार है, ठीक है, मीनार पे एक व्यक्ति यहाँ पे बैठा हुआ है
और यहाँ से ये धरती पर एक गेंद है, ये बॉल है, इसको देख रहा है, ठीक है, ये आँख है, यहाँ से इस बॉल को देख रहा है। देखिए इसको ऐसे मिला देते हैं, ठीक है। तो ये वाली जो रेखा है, इस रेखा को क्या कहते हैं, दृष्टि रेखा कहते हैं, दृष्टि रेखा, ठीक है। और इसके आँख के सामने एकदम सीधा सरल रेखा खींचिए, ये जो रेखा है इसको बोलते हैं क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा, ठीक है। तो ये जो एंगल बनेगा इसको बोलते हैं क्या, अवनमन कोण कहते हैं, अवनमन कोण। अब देखिए इस लाइन को भी हम क्या करते हैं, थोड़ा आगे की ओर खींचते हैं। तो ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों को आप ध्यान से देखिए, क्या है, समांतर है, ठीक है, ये क्या है, समांतर है। और ये जो है एक तिर्यक रेखा है, ठीक है। तो हम आपको बताए हैं कि अगर दो समांतर रेखा को अगर एक कोई तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण जो बनते हैं वो क्या होते हैं, समान होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक एंगल यहाँ पे बन रहा है, एक एंगल यहाँ पे भी बन रहा है, ठीक है। तो ये अवनमन कोण हो गया, ये क्या है, उन्नयन कोण हो गया। अगर आँख यहाँ पे हो और यहाँ पे वस्तु रख दे तो अगर यहाँ से देखे तो क्या बन जाएगा, उन्नयन कोण बन जाएगा। तो जो अवनमन कोण होते हैं वही उन्नयन कोण भी होते हैं। हम जानते हैं कि अगर दो समांतर रेखा को अगर कोई तिर्यक रेखा काटती है तो जो एकांतर कोण बनते हैं वो समान होते हैं। तो जो कोण ये होगा वो कोण ये होगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे हम लिखे हैं कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर अवनमन कोण 60 डिग्री है तो उन्नयन कोण भी आपका 60 डिग्री होगा, ठीक है। अगर उन्नयन कोण 30 डिग्री है तो अवनमन कोण भी 30 डिग्री होगा, ये आपको याद रखना है। फिर यहाँ देखिए, यहाँ लिखे हैं कि उन्नयन कोण को उन्नति कोण या उन्तास कोण भी कहते हैं। ये एग्जाम में एक नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ देता है कि बताइए कि उन्नयन कोण को क्या कहते हैं। तो उन्नयन कोण को उन्नति कोण भी कहते हैं या उन्तास कोण भी कहते हैं, और अवनमन कोण को अवनति कोण भी कहते हैं। तो इसको भी आप याद रखिएगा। अब यहाँ देखिए लिखे हैं कि हाइट एंड डिस्टेंस में ज़्यादातर साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा त्रिकोणमितीय अनुपात का उपयोग होता है, ठीक है। आप जब हाइट एंड डिस्टेंस में अगर क्वेश्चन बनाएंगे तो उसमें ज़्यादातर आप साइन थीटा का इस्तेमाल करेंगे या फिर कॉस थीटा का इस्तेमाल करेंगे या फिर टैन थीटा का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे लाल कक्का, ये जब त्रिकोणमिति हम आपको पढ़ा रहे थे तो उसमें ये ट्रिक बताए थे लाल कक्का। देखिए लंब बटा कर्ण क्या होता है, साइन थीटा होता है, आधार बटा कर्ण कॉस थीटा, लंब बटा आधार टैन थीटा, और साइन का उल्टा कौशिक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, टैन का उल्टा कोट होता है। तो देखिए हाइट एंड डिस्टेंस में जो भी सवाल रहेगा उसको कैसे सॉल्व करना है, यहाँ देखिए लिखे हैं कि ऊंचाई एवं दूरी के प्रश्नों को कैसे हल करें। तो उसको हल करने का एक नियम होता है। पहला नियम क्या है कि पहले प्रश्न को कम से कम दो बार पढ़िए, ठीक है। अगर दो बार में समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो तीन बार भी आप पढ़ सकते हैं। फिर देखिए प्रश्न को पढ़कर एक सही चित्र बनाइए, जो आपको प्रश्न दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपको एक फिगर बनाना है, ठीक है। फिर देखिए प्रश्न में दिए गए कोण और दूरी को अंकित करिए। हाइट एंड डिस्टेंस में आपको एक एंगल दिया हुआ रहता है और एक दूरी दिया हुआ रहता है, ठीक है। उसको आपको सही से लिख लेना है कि कितना एंगल कहाँ पर बन रहा है और कौन सी दूरी दिया हुआ है, ठीक है। फिर देखिए चित्र में समकोण त्रिभुज को पहचानें। जब क्वेश्चन के अनुसार आप चित्र बनाएंगे तो उसमें आपको एक समकोण त्रिभुज दिखाई देगा, उसको पहचानना है कि समकोण त्रिभुज उसमें कहाँ पे बन रहा है। फिर देखिए फिर त्रिकोणमितीय अनुपात को लगाइए। अब उस समकोण त्रिभुज में आपको पता लगाना है कि उसमें क्या क्या दिया हुआ है, लंब है कि कर्ण है कि आधार है। तीन में से दो आपको दिया हुआ रहेगा, ठीक है। जैसे एक एंगल आपको दे देगा और एक ये वाली भुजा दे देगा, मतलब लंब दे देगा, ठीक है, और कहेगा कि ये निकालिए। तो आपको कोण दे दिया और लंब दे दिया, कर्ण कहेगा निकालने के लिए, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आपको करना है। फिर देखिए अज्ञात दूरी या फिर कोण ज्ञात करें। अब देखिए यहाँ पे हम एक पॉइंट लिखे हैं कि ऊंचाई एवं दूरी के प्रश्नों को कैसे हल करें। आपके सामने को हाइट एंड डिस्टेंस का कोई एक सवाल आके दे दिया तो आपको कैसे सॉल्व करेंगे उसको,
उसको सीखिए। सबसे पहले आपको क्या करना है कि प्रश्न को कम से कम दो बार पढ़िए। जो प्रश्न आपको दिया गया है उसको कम से कम दो बार, अगर दो बार में आप समझ गए तो ठीक है, नहीं तो दो से ज़्यादा भी पढ़ सकते हैं। प्रश्न को अच्छा से पढ़ने के बाद आपको क्या करना है कि प्रश्न पढ़कर एक सही चित्र बनाइए। देखिए हाइट एंड डिस्टेंस में जो भी सवाल रहेगा उससे एक फिगर बनता है, ठीक है, उस फिगर को आपको बनाना है। फिर देखिए प्रश्न पढ़कर एक सही चित्र बनाए। फिर तीसरा स्टेप क्या करना है कि प्रश्न में दिए गए कोण और दूरी को अंकित करें। आपको जो प्रश्न मिलेगा उसमें आपको एक एंगल दिया रहेगा, ठीक है, एक रहेगा या दो रहेगा, जो एंगल दिया हुआ है उस एंगल को आप लिखिए। फिर उसमें कुछ दूरी दिया हुआ रहेगा, उस दूरी को आप लिखिए, कितना दूरी कौन सा दिया हुआ है, ठीक है। फिर देखिए चित्र में समकोण त्रिभुज को पहचानें। जो आप फिगर बनाएंगे उसमें देखिएगा ध्यान से, तो एक समकोण त्रिभुज आपको बनेगा। हाइट एंड डिस्टेंस में मैक्सिमम दो समकोण त्रिभुज बन सकता है, उससे ज़्यादा नहीं बनेगा। देखिए एक बन सकता है या फिर दो बन सकता है, इस तरह से फिगर। आप सोचिएगा कि तीन गो बन जाए तो ये संभव नहीं है। हाइट एंड डिस्टेंस में जब भी बनेगा तो दो समकोण त्रिभुज बन सकता है, अधिक से अधिक, कम से कम एक, तो समकोण त्रिभुज बनता है, ठीक है। फिर त्रिकोणमितीय अनुपात को लगाइए। इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि आपका एक समकोण त्रिभुज बन गया, ठीक है, इस समकोण त्रिभुज में आपको एक एंगल दे दिया और ये वाली जो लंबाई है ये दे दिया है, ठीक है, और कहेगा कि इस भुजा को ज्ञात करिए, ये वाली। तो आप क्या करेंगे, देखिए लंब दिया हुआ है और कर्ण निकालना है, तो लंब और कर्ण किस त्रिकोणमितीय अनुपात में आता है, तो हम जानते हैं कि लंब और कर्ण साइन थीटा में आता है, तो हम साइन थीटा त्रिकोणमितीय अनुपात लगा देंगे, ठीक है। फिर देखिए एक समकोण त्रिभुज आपका बन गया, एक एंगल आपको दिया हुआ है और ई वाली भुजा दिया हुआ है, कहेगा कि इसको निकालिए, तो हम देख रहे हैं कि ये क्या है, ये 90 डिग्री है, तो ये तो कर्ण हो गया और इसके सामने तो ये लंब हो गया और ये आधार है। आपको कर्ण दे दिया है और आधार कहेगा निकालने के लिए, यानी कि ये लंबाई कहेगा निकालने के लिए, तो आपको इसको नहीं देखना है, बस आपको इससे मतलब है कर्ण और आधार, कर्ण और आधार देखिए किस त्रिकोणमितीय अनुपात में होता है, तो कॉस थीटा में होता है, तो हम कॉस थीटा का इस्तेमाल कर लेंगे। तो वही यहाँ लिखे हैं कि फिर त्रिकोणमितीय अनुपात को लगाइए, मतलब जो आपको उसमें दिया हुआ है उसके आधार पर आप चेक करिए कि इसमें कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात लगेगा। फिर देखिए क्या करना है, अज्ञात दूरी या फिर कोण ज्ञात करें। हाइट एंड डिस्टेंस में आपको दूरी निकालने के लिए कहेगा या फिर एंगल निकालने के लिए कहेगा, यही पूछता है, ठीक है, तो जो आपको कहेगा वो निकाल दीजिए। तो यही कंसेप्ट था, ये कंसेप्ट को आप अच्छा से सीखिए और उसके बाद इसमें जो भी सवाल है उसको हम बनाएंगे, ठीक है।